नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने महिला जनप्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाने के लिए सीएम मोहन यादव को धन्यवाद दिया है। आईएनएस से बातचीत करते हुए मंत्री प्रतिमा बागड़ी ने कहा कि शहर से लेकर गांव तक सरकार महिलाओं को सशक्त करने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की है। जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा 20%। अलग अलग स्तर पर हमारे साथ नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक और बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों के लिए, खासतौर पर महिला जनप्रतिनिधियों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उन्होंने रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप जो महिला नेतृत्व को यहाँ आमंत्रित करके और सभी जनप्रतिनिधियों को 20% उनके मानदेय में बढ़ोतरी की है, तो निश्चित तौर पर इससे आर्थिक रूप से उनको सशक्तिकरण भी हुआ है। 50% आरक्षण देकर कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को उतार करके और हमारे देश के नेतृत्व में और हमारे देश के निर्माण में दोनों में महिलाओं की भूमिका रखी है, तो वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों के बारे में सोचा और किस तरह से वो आर्थिक रूप से जो मैनेजमेंट होता है घर का वो महिलाएं करती हैं, तो निश्चित तौर पर उनका मानदेय बढ़ाकर उनको और सम्मान दिया है घर पर। तीज और त्योहारों में भी बड़ी रौनक आ जाएगी, बहुत ज्यादा रौनक आएगी उसमें। सभी के घर में जैसे कहते हैं कि एक जिसको सैलरी मिलती है और सैलरी के बाद अगर उस व्यक्ति को बोनस मिलता है तो वो उसके त्योहार में थोड़ा एड ऑन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एड ऑन था और इससे हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके त्योहार में और बड़ी रौनक आएगी। तो ये जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनका 20% मानदेय बढ़ाया गया और इसको लेके खुद नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री का आभार माना है। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल।